दोस्तों गुड इवनिंग, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो भी घटनाएं आपको बताई जाती हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती हैं, सच होती हैं और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पे बेस्ड होती हैं। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश की यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। शायद आप जानते होंगे, मुरादाबाद में एक छोटा सा थाना क्षेत्र है जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर में एक ऐसा सनसनीखेज वाकया सामने आया है जिसमें कि एक औरत जो होती है वो एक साथ अपने प्रेमी और एक साथ अपने हस्बैंड दोनों से रिलेशन में होती है, और रिलेशन इस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस था कि एक ही साथ बगल वाले कमरे में प्रेमी के साथ संबंध बनाती है और बगल वाले कमरे में अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाती है। ये पूरी साजिश उस औरत ने जो रची, अगर आप इसे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कोई औरत इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। नमस्कार, तो इस तरीके से मैं आपको सारी सारी घटनाएं देने जा रहा हूँ, घटनाएं उससे अवगत कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कृपया लाइन पर रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें सो दैट आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड, ये जो घटना है ये मुरादाबाद की है, भोजपुर थाना क्षेत्र की। यहाँ पर क्या होता है कि एक औरत और एक हस्बैंड होते हैं, बहुत प्यार से जो है ये लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब प्यार से मतलब ये है कि जो औरत है पिछले 1.5 साल से इस हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देती है। इन दोनों में लगातार बहस चलती रहती है, मार पीट झगड़ा सब कुछ चलता है, अगल बगल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। लोग शॉक्ड रहते हैं कि इनकी शादी को लगभग 5-6 साल हो गए, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, ये लोग एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि पिछले 1.5 साल में इन लोगों में ये सब मारपीट और इन सब चीज़ों का सिलसिला शुरू हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो फ्रेंड, हुआ कुछ यूँ कि 1.5 साल पहले ये जो औरत है इसका एक प्रेमी बन जाता है। इस प्रेमी का नाम होता है राजीव। राजीव और इस औरत में लगातार प्रेम संबंध चलते रहते हैं, और ये औरत इतनी ज़्यादा साजिश वाली औरत थी कि आए दिन अपने हस्बैंड के साथ मारपीट करती। और मारपीट का रीज़न ये था कि जो हस्बैंड था इसका, ये थोड़ा ड्रिंक कर लेता था, और ड्रिंक करने के बाद ये घर में आके जब भी ड्रिंक करता चुपचाप सोने की कोशिश करता, इसकी औरत इसी चीज़ का बहाना लेके ज़बरदस्त तरीके से घर में तहलका मचा देती। हालांकि ड्रिंक करना भी गलत है, लेकिन अगर कोई आपको परेशान नहीं करना कर रहा है या फिर औरत को थोड़ा सा उसे तसल्ली बख्श रूप से समझाना चाहिए था, प्यार से उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, शायद वो समझ जाता। और गलती उसके हस्बैंड की भी है कि वो घर पे पी के आता है और फिर बाद में इस चीज़ का इशू क्रिएट करता है। तो फ्रेंड, होता कुछ ये है कि इन दोनों में जो है लगातार प्रेम संबंध जारी रहते हैं। अंत में वो जो औरत का प्रेमी होता है वो इस राजीव बार बार जब इसके घर पर आने की कोशिश करता तो लोग नोटिस करते कि कोई एक हस्बैंड बाहर का जो आदमी है वो आता है इसके घर में, आधे घंटे पौने घंटे रहता है और चला जाता है। और बेसिकली वो तब आता है जब इसका हस्बैंड घर पे नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इस औरत ने ये साजिश रची कि अपने प्रेमी को ही अपने ही घर में रूम किराए पर दे दिया, और अपने हस्बैंड को बोला कि एक किराएदार आया है, उस किराएदार से हम लोग उसको उससे रेंट लेंगे और रेंट ज़्यादा मिल रहा है, वो किराएदार ज़्यादा रेंट देने के लिए तैयार हो गया है। हस्बैंड ने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने कुछ ना कुछ इनकम होती रहेगी और अगर कोई किराएदार आ भी रहा है तो कोई इशू नहीं है। हस्बैंड इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो जो किराएदार आने वाला है वो उसकी पत्नी का प्रेमी है। फ्रेंड्स, अब ये होता है कि अब वही औरत जो अपने हस्बैंड के पीने पर बवाल खड़ा करती थी, जब उसका प्रेमी उसके घर में किराएदार के रूप में आता है तो वो औरत अपने हस्बैंड से लड़ाई बिल्कुल बंद कर देती है। इनफैक्ट ये बोलती है कि घर पे आया करो, पी के सो जाया करो, कई बार तो कहती है कि बोतल लाओ मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी दूंगी। अब क्या होता, हस्बैंड बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि जब से ये मतलब पिछले 1 साल से मेरी बीवी बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करती है, जब भी आता हूँ मैं नहीं पीना चाहता और मुझे पिला के सुला देती है। और बीवी क्या करती थी, अपने हस्बैंड को पिला के सुला के फिर अपने प्रेमी के रूम में चली जाती थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से साजिश रचा उसने। एक दिन क्या होता है कि इसका जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड के सर में हल्का सा दर्द होता है और हस्बैंड कहता है कि आज मेरा पीने का मन नहीं है, आप पी लो। वाइफ कहती है नहीं, आपको पीना पड़ेगा, और पैक बना के जो है रख के चली जाती है अपना कपड़ा उपड़ा धोने। जब कपड़ा धो के आती है देखती है कि हस्बैंड ऑलरेडी सो चुका है और पैक उसका उसके सिरहाने पर रखा हुआ है। औरत सोचती है कि अब तो हस्बैंड सो ही गया है, अब तो कोई देखने वाला है नहीं। वो क्या करती है, वो चुपके से अपने प्रेमी के रूम में एंटर कर जाती है। और जब वो प्रेमी के रूप में एंटर करती है अचानक से उसके हस्बैंड की नींद खुल जाती है। और जब वो जाके देखता है कि उसकी बीवी घर में कहीं नहीं होती है, दबे पाँव जाके देखता है तो उसके प्रेमी का जो गेट होता है वो अंदर से लॉक्ड होता है। वो जब नॉक करने की कोशिश करता है
और अपनी आवाज़ देके बोलता है कि उसके किरायेदार का नेम लिखे, गेट खोलो। किरायेदार पहली बात तो 3-4 बार गेट नॉक करने पर नहीं खोलता है, लेकिन जब गेट खोलता है तो ये अचानक से उसके कमरे में एंटर कर जाता है। और जब कमरे में एंटर करता है तो ये देखता क्या है कि वहाँ पर जो पर्दे लगे होते हैं दीवारों पे, उस पर्दे के पीछे इसकी पत्नी खड़ी हुई थी। और इसकी पत्नी जब खड़ी हुई थी, उसके नीचे की जो सलवार थी वो नहीं थी, ऊपर के कपड़े उसने पहने हुए थे। अंत में ये जो धमा चौकड़ी मस्ती है, इस जब औरत समझ जाती है कि मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया है, हस्बैंड दौड़ के जाता है डंडा लाने के लिए कि इनमें दोनों में से आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मार के इनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। उससे पहले ही वाइफ अपने किचन में जाती है, किचन में से जो सब्जी काटने वाले चाकू होती है उसको लाती है और अपने प्रेमी को बोलती है कि पकड़ इसको। प्रेमी जो है गुत्थम गुत्थी करके पकड़ लेता है और वाइफ खुद अपने हस्बैंड का गला रेत देती है। अंत में जब ये सूचना बगल में पुलिस को मिलती है, पुलिस आती है, अगल बगल के पड़ोसी आते हैं, तो पता चलता है कि है प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरीके की साजिशें हो सकती हैं, किस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। अपने घर में आप किसी अननोन पर्सन को रूम किराए पर ना दें। अगर किराए पर दे भी रहे हैं तो प्रॉपर आप ट्रैक करें कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप किराए पर दे भी रहे हैं तो उनका सेक्शन आप अलग रखिए, उनसे मेल मिलाप बिल्कुल काम भर कर रखिए, सो दैट इतना इशू क्रिएट ना हो। दूसरी चीज़, हमारे जो किरायेदार भाई हैं उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप कहीं किराए पर रह रहे हो तो आप बिल्कुल अपना कल्चरल डेवलपमेंट हमेशा बना के रखें, अपनी ज़िंदगी में आप बेफालतू का इशू क्रिएट ना करें। आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।